हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मम्मी आ रही है, मेरे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं अकेली भी थी और मतलब थोड़ा ऐसे चलता रहता है ना। आज मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने शावर लिया है, उठी तो मैं लेटी हूँ, 9:30 बज रहे हैं और मम्मी का 8 बजे कॉल आ गया था, वो निकल गए हैं तो मेरे से उठा नहीं जाता भाई। फिर मैंने बड़ी मेहनत करके भी उठी, उठते सबसे पहले मैंने शावर ले लिया है कि पहले लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उनको तैयार कर देती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाता है तो उनको स्नान करवा के फिर मैं एक बार नारियल पानी पी लेती हूँ, फिर उनको स्नान करवाऊँगी, देन लगूँगी किचन में। मुझे फिर आज जाना है पार्लर, देखते हैं घर पर तो कब जाऊँगी मैं, आज कल या तो रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे ना थकान से हो रही है इसलिए, तो मेरे ना हाथों पर पैरों पर इतनी गंदी वाली हेयर ग्रोथ आ रखी है, साथ में मेरे अपर लिप्स, आईब्रोज। और आपने देखा यहाँ पर है ना मेरे प्रेगनेंस, पहले मेरे यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया इन दिनों, मतलब ये तो पता था मुझे बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पर, ये चीज़ तो मेरे पहले भी थी बट यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा मेरे फेशियल हेयर ग्रोथ आ रही है, ये आप देख सकते हो ना। बट पता नहीं क्यों आ रही थी, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे प्रेगनेंट होने के बाद हुआ है, प्रेगनेंट होने के बाद ही मेरे फेशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, जो बहुत गंदी लगती है। सो ये सब रिमूव करवा के आना, आज पार्लर जाके आएंगे तो बस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मम्मी किसी भी टाइम आ जाएगी, मेरा पूरा घर ऐसे पड़ा है। अंकित चला गया ऑफिस, कुलदीप अभी सो रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉ तो है नहीं, तो ऐसे ही पीएंगे। मैंने अभी मीशो से ऑर्डर किया है कोकोनट ओपनर जो आते हैं ना वो। हेलो, सो अभी आपको मैं दूसरी ड्रेस में दिख रही होंगी, घर का काम वगैरह सब हो चुका है, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, वो रात को लेट तक आएंगे। और मैं पार्लर भी जाके आ गई हूँ, थ्रेडिंग करवा के आई अपर लिप्स, थोड़े मेरे यहाँ पर चिन पे हेयर आ रहे थे, हैंड और लेग वैक्स, साथ में मैं यहाँ के अपने साइड लॉक्स भी करवा के आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे थे। आई थिंक प्रेगनेंसी में हार्मोन थोड़े से चेंजेस होते हैं तो उस वजह से मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ आ रहे थे जो बहुत गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा अभी करवा लिए हैं, फिर एक 9th मंथ में करवा लूँगी। तो पूरी मतलब प्रेगनेंसी में एक बेबी केयर ही नहीं करना होता, आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। सो मेरे फेशियल हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और साथ में देखे मेरे यहाँ पर इतने सारे पिंपल्स आ गए हैं, कलर भी इतना डल होता जा रहा है, पता नहीं अजीब सी स्किन हो गई है। मैंने एक दो जनों से पूछा जो मेरे नॉन में प्रेगनेंट हैं, वो बोलते हैं कि है ना क्या बोलते हैं कि लड़का होगा तो स्किन डल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जिसके जो होना होता है वो होता ही है, बट पता नहीं क्यों स्किन बहुत ज़्यादा ऐसी होती जा रही है मेरी। पिंपल्स मेरे कभी नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी फुंसियाँ, एक्ने, ये सब हो रहे हैं, स्किन काली काली डल डल सी हो गई है। सो बस दोपहर का टाइम हो रहा है, कुछ नहीं करना है, मैंने अपने लिए थोड़े से सैलड काटा है, ये बैठ के खाऊंगी, फोन चलाऊंगी इधर। गुड मॉर्निंग जी, सो ये है नेक्स्ट डे। आप सोचोगे जी आजकल करके आ रही है, एक दिन में छोटे छोटे क्लिप लेती हूँ, क्या गुरु कुछ मिलता ही नहीं है शूट के लिए, और आज शायद मैं ससुराल भी चली जाऊंगी। सुबह हो चुकी है, हम उठे हैं 10 बजे आराम से, क्योंकि मम्मी आ चुकी हैं, और खैर मम्मी नहीं आई थी तो भी कौन सा मैं जल्दी उठ के पहाड़ तोड़ देती थी, तो उठी हूँ और उठ के जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है मेरा दूध, साथ में मैं खा रही हूँ पार्ले जी के बिस्किट जो कि मैं सल्टा चुकी हूँ एक पैकेट, मेरा आज मन कर रहा था पार्ले जी के बिस्किट खाने का, तो मैंने मम्मी को भेजा कि मेरे लेके आओ, पास में शॉप थी तो मम्मी वहाँ से ले गई क्योंकि घर पे दूसरे बिस्किट थे। एंड आपको पता है पार्ले जी के बिस्किट जब हम बचपन में खाते थे उस टाइम पे आते थे 2 रुपये का पैकेट आता था, अभी मैंने मम्मी से पूछा ये हो चुका है 5 रुपये का पैकेट, तो 2 रुपये से 5 का पैकेट हो चुका है। उस टाइम पे इतना सस्ता लगता था ना यार, कि इतना सा पैकेट 10 बिस्किट आते हैं 2 रुपये में, अब लग रहा है थोड़ा सा महंगा हो गया है। और इस पर जो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बनी हुई है ना, ये पता है अभी बहुत एज में भी हो चुकी है। मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी आपके ज़माने में भी वाला बिस्किट चलता था क्या? मम्मी कह रही है हाँ कुत्तों को डालने का बिस्किट, मैंने कहा आप क्या कुत्ता बोल रहे हो आपको? तो बस ये खाया है, और अभी मैं आपको कुछ और चीज़ भी दिखाती हूँ। मम्मी गाँव से लेके आई है मेरे कपड़े, जब मैं बिल्कुल छोटू सी थी, न्यू बॉर्न थी, तो उस ज़माने में भाई इतने बाहर के कपड़े तो होते नहीं थे, तो मेरे दादी साने जो मेरे दादू सा की धोती से मतलब फर्स्ट ड्रेस पहनाते हैं ना ऐसे, तो छोटे छोटे झबले बना रखे थे, तो मम्मी और मैं कल इतना हंसे। मम्मी सारे तो नहीं लेके आई, मतलब एक दो तीन लेके आई, मम्मी बोली कितने साल पुराने हो गए, मतलब तो रखे गल गए वो, तो उनको कल धोया, मम्मी ने वीडियो ही नहीं बनाने दिया, मैं वीडियो बना रही थी, मम्मी और मैं बहुत हंसे, तो फिर उनको धो के अंकित से प्रेस करवाई, उसने प्रेस चिपका दी
तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे कपड़े हैं मैंने कहा इनको मत ले जाना, आप हॉस्पिटल में नहीं डॉक्टर है ना, डांट के भगा देगी आपको कि क्या लेके आई हुई है, तो जस्ट वेट। तो ये हैं वो सुंदर सुंदर झबले जो मेरी मम्मी मुझे बचपन में पहनाती थी, डिजाइनर झबले ये बहुत ज़्यादा यूनिक मिलते नहीं है आसपास। इनका कलर प्योर वाइट हुआ करता था एक ज़माने में, और आज मम्मी ये धोती का बनाया है ना, तो ये देखिए धोती के कपड़ों का मतलब पहले बच्चे को वो पहनाते हैं ना, इसलिए स्लीव्स देखिए ये मेरी मेरी दादी साहब ने खुद ने हाथों से बनाई थी, ये देखिए एकदम डिजाइनर पीस है ये बिल्कुल, ये मम्मी लेके आई है मेरे बच्चे को पहनाने के लिए, देखो प्रेस भी करवाई है इसके सुबह आज। और ये दूसरा वाला देखिए, इसके मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये बिल्कुल डीप नेक है, डीप नेक अभी नहीं चल रहा, बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है, और ये डोरिया डोरिया उस टाइम पे होती नहीं थी, तो यहाँ पर धागा बांध दिया गया है डीप नेक को कवर करने के लिए, और फिर ये ऐसे डिज़ाइन बन गई। यहाँ लेस लगाने में झालर लगाने में थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था तो इसी का लगा दिया गया है, ये सब मेरे दादी सा के बनाए हुए हैं, ये देखिए। अब मम्मी इन्हें आप जैसे लेके आई हो ना वैसे ही रख लो अपने पास वापस, ठीक है फिर ना निकालियो मत। और ये शर्ट है मेरे भाई की, उसको तो देखो अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे रेडीमेड रेडीमेड मम्मी हाँ देखो बटन वगैरह, और हाँ हाथ की है, उसके कपड़े तो एकदम सही ही, देखो एकदम कॉलर वगैरह, और ये कॉलर में लग रही ब्लाउज को पीस ना हो है कि वही है ना अरे अरे ये शर्ट हमारी, और ये मेरे झबले, ये मम्मी कह रही है मम्मी सबसे सुंदर झबला था ये, देखो मम्मी तो आध पार सब दिख तो हो गई में से तो गर्मी के हिसाब से सही है इस तरह ना, गर्मी के हिसाब से। अभी अब ये मम्मी मेरे बच्चे के लिए बनाएगी, तो मेरे जो ससुर जी हैं उनको धोती पहनाई जाएगी और उस कपड़े के पहनाए बनाए जाएंगे, सेम डिज़ाइन बनाएगी। मम्मी ये रख लियो आप, ठीक है सेम, फिर मैं उसको पास में दिखाऊंगी, मेरी फ़ोटो खींच के रखती ना आप इस झबला में, तो मैं भी दिखाती फिर जब मोबाइल कौन था, हाँ जब मोबाइल कौन था ना, एक तरफ ये देखो ना आप ये डिज़ाइन है डोरी। और ये मेरा पार्सल आया जो कि मैंने कोकोनट ओपनर का किया था मीशो से, चलो फाइनली यहीं पर आ गया, उसमें टाइम तो ज़्यादा दिखा रहा था, ये आई थिंक 157-160 रुपीज़ के आए हैं, दो आए हैं, अगर आप एक लोगे तो 121 रुपीज़ का आएगा, तो मैंने एक मैंने सोचा एक यहाँ रख दूँगी एक ससुराल में रख दूँगी, बहुत सही वाली चीज़ है, मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ इसको, आपको नारियल ऊपर से कटवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उससे फफूंद लग जाती है ख़राब हो जाता है, इससे बहुत ईजिली आपका नारियल है ना ओपन हो जाता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना एक बार। हेलो सो मैं हो चुकी हूँ रेडी चेंज करके, क्योंकि अभी मुझे जाना है घर ससुराल, कुलदीप आ जाएंगे अभी मुझे लेने, सामान वामान मैंने सब रख लिया, ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, सामने हमारे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो लड्डू का सामान मैंने रख लिया है, लड्डू रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस खाना खाऊँगी और देखते हैं कुलदीप कब तक आते हैं और फिर निकलते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन के लिए आई थी बट 5-6 दिन हो गए हैं, मम्मी परसों तो आई है, कल रोक लिया था बस उन्होंने, कल मैंने बोला था कुलदीप आने के लिए फिर वो आए ही नहीं, तो आज हम जा रहे हैं। सो फाइनली हमारे बना हुकुम आ गए हैं, आज से भागो नाम से नहीं बोलूँगी बना हुकुम बोलूँगी खुद को ऐसी आ जाती है मुझे। सो अभी ये आ गए हैं, नींदों में थे, मुझे उठा के ले आए नींदों में से एकदम, तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर तो नहीं जा रहे, रास्ते में थोड़ा काम है वो करेंगे, वो करते हुए फिर जाएंगे। क्या यार यार फ्रूट्स वगैरह लेते हुए जाने हैं, दूध वाले को ही बोल देना कल से ला दे, 1 किलो का ही बोल देना उसे, फाइनली 7-8 6-7 दिन बाद में खुला है मिठाई वाला स्वीट्स वाला। चलो दीप गए यहाँ से हमारे कान्हा रेस्टोरेंट से रसगुल्ले लेने के लिए, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बताया भी था मुझे बेबी वेट के लिए सब, तो वहाँ के मुझे अच्छे नहीं लगते, हमारे घर के आसपास एक दो बड़े लेके आए थे अच्छे नहीं मिलते, तो यहाँ के अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने उनको भेजा है कि आप यहीं से ले आओ, मम्मी ने पैसे दे के भेजे थे कि यहाँ से लेते हुए जाना, तो यहाँ से रसगुल्ले लेते हुए फिर थोड़ा सा आगे फ्रूट्स की शॉप आएगी, तो वहाँ से नारियल पानी वगैरह ये सब लेके उसके बाद में हम जाएंगे।
बच्चे की जगह देखो खुद बच्चे बनने हुए। वहां तो जाके आ रहे हो? तो जी घर में आ गई थी शाम को, फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, इन मैडम ने मुझे बुला लिया। बोलती है आप पीर नहीं जाओगी, खुद जा जाके बैठो। दस दस दिन मम्मी कसम मुझे पता था, फिर लाइन बोलोगी कसम से मुझे पता था कि ये, और मैं एक रास्ते में बोल रही थी, मैंने कहा होता है भाभी मुझे से बोलेगी, तो दो तीन दिन का नाम लेके गई थी तो मुझे बोलते, तो तू ऐसे कहते ना तो आप भी तो मुझे एक दो दिन का क्या की जाती हो और दो दो महीने नहीं आती हो, ये मेरे को डायलॉग सिखा रहे थे। तो अभी हम लोग खाना वाना सब खा पी के, हमने अच्छे से बालों में चमटे भी करवाई है, इनके तो कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे हाथों से, मेरे हो गए अच्छी खासी चंपे। और अब हम बाहर वॉक कर रहे हैं, आज से ही सोचा है कि हम डेली वॉक करेंगे। वो वॉक भी थी शानदार हो रही, लटकते लटकते चल रहे हैं, तो पैरों पे भी असर नहीं हो रहा बेचारों पे। थक गए तो 10 बज रहे हैं, तब लेट आए, पर अब हम कानू के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम सुबह चला करेंगे। हाँ ये तो लेके नहीं जाते, हवा चल रही है नहीं खेल पाएंगे। घर आ गई थी मैं शाम को, और उसके बाद में बस जी जार मैंने बातें बातें करी, आज कितनी ऐसी अजीब सी लग रही हूँ मैं। किचन विचन में खाना वाना खाया, उस बाद में हम दोनों बार बार घूमने चले गए, बालों में आज तेल लगवाया बहुत दिन हो गए, यहाँ से गई थी तभी हेडवॉश करके गई थी, फिर मैंने जीजा के लगाया, जीजा ने मेरे मालिश करी, और अभी रूम में आ गई हूँ। मम्मी ने मुझे सूट दिया, आपको वो दिखाती हूँ मैं, ये सूट है जो मम्मी ने मुझे दिए हैं, सूट कोई सीख के पर्पज़ से नहीं दिए, मैं तो वैसे गई थी दो तीन दिन के लिए, बट मेरी मम्मी ने, आपको पता भी मेरे सूट आ नहीं रहे थे, तो वो तो मम्मी सब फिटिंग करेगी, वहीं रखे हुए हैं। मम्मी नए सूट लेके आई थी खुद के लिए कपड़ा लाई थी, बट मम्मी ने मेरे लिए सिलवा दिया, क्योंकि मम्मी को पता भी मेरा वेट बढ़ गया तो मेरे आ नहीं रहे कपड़े, तो मम्मी ने कहा भी तू छोटी मोटी नई के हिसाब से मतलब तू पहन ले, अच्छे लगेंगे फिर मैं पहन लूँगी एक दो बार। तो देखो मम्मी ने मुझे तक प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट, अभी आपको वीडियो में इतना नहीं दिख पा रहा होगा, बट पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा है भाई, ये माँ का दिल ही होता है जो ऐसे दे देती है कपड़े, खुद के लिए लेके आई और मम्मी ने मुझे दे दिया है, तो वो चीज़ है। लड़ती भी है खैर मेरी मम्मी, लेकिन देखो कितना करती है मेरे लिए, करती बहुत है, लेकिन खाने पीने की मतलब मेरी प्रेगनेंसी में अगर सबसे ज़्यादा केयर किसी ने करी है तो वो मेरे पति ने, मेरे मम्मी ने ही है। और एक और ये मेरी मम्मी ने मेरे को सूट दिया है कि ये भी तू ही पहन लेना, ये नए सूट है मम्मी के, बहुत प्यारे लगेंगे। तो अभी भाई जो जो दो तीन महीने बच्चे हैं, अब मेरे को अगर काम होगा तो फिर मैं ये पहन लूँगी, और बाकी फिर मम्मी तब तक वो फिटिंग कर देंगी। एक ये है, मम्मी और भी मुझे सूट दे रही थी मम्मी के पास जो नए हैं, पर मैं वो लेके नहीं आई जानबूझ के, क्योंकि इतने मेरे काम आते नहीं हैं, मेरे तो डेली का काम है सूट्स का, तो मैंने कहा ला के यहाँ पर रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मम्मी ने जो मुझे 6-6 महीने के पहले सीख के कपड़े हैं वही मैंने अभी तक नहीं निकाले, वो मैं उनको वापस फिटिंग के लिए दे आई, पॉलीथीन पैक है, तो इसलिए बस ये दो सूट लेके आई कि अभी कुछ काम वाम पड़ेगा तो मैं पहन लूंगी उस हिसाब से। ये मेरे पति ने इतना गंदा इस कमरे का हाल मचाया हुआ है, सारे कपड़े प्रेस पे आए तो रखे नहीं अभी तक, और अब बोल रहे तू हाथ मत लगा ना, मैं अपने हिसाब से जचाऊंगा सारे कपड़े, और क्या बोल रहे हो मुझे अब आप, पता नहीं लगा 3 साल में कौन से कपड़े प्रेस पे जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, मैं यही कर रही हूँ 3 साल से आपके पास में, कपड़े कौन से प्रेस पे जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, करने की बात है क्या फिर क्या, तो तब मैं मेरी मम्मी के घर में यही नॉलेज ले रही थी बस, मेरी मम्मी मुझे यही ट्रेनिंग दे रही थी ससुराल में कैसे क्या करते हैं। आपको बेड का हाल दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ पर पड़ी थी, क्या पूरी खा जाओ इसको आप, पागल हो गए इसके पीछे, ये देखो ये हाल होता है, इसलिए मेरे को जाने में एक बार डर लगता है मम्मी के घर में कि मेरे कमरे का क्या हाल होगा। तो इस व्लॉग की एंडिंग तो मैंने नहीं करी थी, अभी कर देती हूँ नेक्स्ट डे। सो व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा होप सो, और इन दिनों यही व्लॉग बना पा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बाहर का जाना नहीं होता है, घर में जो रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, होप सो आपको अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ऑल्सो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।